आज ना नवरात्रि का पहला दिन है, आरती करके जाऊं। मम्मी आपका ना रोज का है, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस जाने के लिए। अरे बेटा तू जा, हमने पता है कितने वर्त किए हैं, अब ना घुटनों से चला जावे ना कमर से बैठा जावे। अरे बेटा नवरात्रि है। मम्मी चलो ना पूजा करते हैं। मम्मी आपने लंच पैक किया? मम्मी मैं स्कूल ड्रेस प्रेस कर दो, मेरी प्रैक्टिस ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। पहले मुझे लंच दे दो यार, प्लीज मुझे लेट हो रहा है। तुम सबको पता है ना आज से नवरात्रि चालू है? हाँ हाँ पता है, अब से डेली लंच में बिना प्याज के खाना दोगे आप? हमसे तो ना कटती है कुट्टू फुट्टू के आटे की रोटी। हो गया तुम सबका, अब जल्दी से आरती कर ले, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ चलो। ऐसे कैसे, मैं तो बड़ी हूँ ना। बच्चों बेटा मेरे घर चलोगे? मुझे ना एक कंजक चाहिए। आंटी मुझे ले चलो। आंटी मुझे भी लेके चलो। बेटा तू चल, तू तो किसी एंगल से नहीं लग रही कंजक जैसी, बड़ी हो गई है अब कंजक खाने मत जाया कर। चल बेटा मेरे साथ चलो। बेटा बर्तन कहाँ है आपके? आंटी मेरे पास तो नहीं है, आप अपने घर से दे देना। बेटा बड़ी लड़की में चल जाती है एक तो, तुम रहने दो बेटा, तू चला जा। मम्मी मैं रेडी हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ कंजक खाने। तूने तो पीरियड्स हो रहे ना पहली बार। बेटा अब तू बड़ी हो गई है, तू कंजक खाने नहीं जा सकती, चलो अंदर बैठ। अरे बट मम्मी कोई झांक के थोड़े देख रहे हैं कि मैंने पैंट लगा रखा है। माता रानी माफ कर देना, मेरी बेटी पागल है पागल। माता रानी ना पॉप लगाएंगे पॉप। क्यों मम्मी? माता रानी को भी तो पीरियड्स आते होंगे। मम्मी माता रानी को पीरियड्स नहीं होते क्या? ठीक है नहीं जा रही हूँ। चल चल नेहा आंटी ने बुलाया, मैंने सुना है ना वो टिफिन देंगी। पर मम्मी तो जाने नहीं देंगी। अरे सबकी मम्मी ना ऐसे ही बोलती है, तो चल मेरे साथ। ये देख आंटी ने मेरे को बड़ा टिफिन दिया है। पर मेरा तो बर्गर वाला है। चल ठीक है मैं घर जा रही हूँ। किसी को पता नहीं चला, मैं जा रही हूँ। अगर आपको अपार धन की प्राप्ति चाहिए तो इस नवरात्रि अपने घर में गोमूत्र का छिड़काव करना ना। गुरुजी ने बोला है तो सही होगा, करती हूँ जाके। मम्मी पानी, कोई सुनता ही नहीं है इस घर में पानी। नहीं क्या है, अब इंसान पानी भी ना पिएगा? मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। पर ये पानी नहीं था। हाँ फिर अबे वो गौमूत्र है, गौमूत्र। दीदी ने गौमूत्र पी लिया। मेरी नवाई बहुत चम। Oh shit!
ये तो मैं भूल ही गई, सपना तो हमेशा भूल जाती है। अरे इसमें क्या है, ये तो 2 सेकंड का काम है। तुम्हें बस जूड़ा पेन के टिप पे आईलाइनर लगाना है और प्लेस कर लो तुम्हें जहां भी अपने फेस पे से प्लेस करना है। परफेक्ट, चल मैं जा रही हूँ। मम्मी क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा, कपड़े डाल रही हूँ मशीन में। हाँ लाओ हेल्प करा लेती हूँ, पर मैं कर लूंगी अपना। क्या काम है बता। मम्मी बोल रही थी ना कि मैं और मेरी फ्रेंड ना घूमने जाने की सोच रहे थे। क्या घूमने जाने की सोच रहे थे? पता नहीं कि नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में कौन घूमने जाता है, कहीं नहीं जाना, घर बैठो अपने। मम्मी बस 3 दिन की बात है। 3 दिन की बात है, नहीं जाना, 1 दिन के लिए भी नहीं जाना। कैसे घर वाले ही होंगे जो भेज देते हैं अपने बच्चों को नवरात्रि में ही, बताओ। नहीं जाना कहीं भी, जाओ यहाँ से। हेलो हेलो, मैंने बोला था ना मेरी मम्मी नहीं मानेंगी, तो कल तो मैं जिद कर रही थी। यार तुझसे ना एक काम सही से नहीं होता है, जो मैं बोल रही हूँ वो अपनी मम्मी को बोल दियो, वो मान जाएंगी। चल तू बोल रही तो एक बार लास्ट ट्राई करूंगी, ठीक है? ठीक है, बाय। मम्मी आपको एक बात बताना भूल गई थी, मैं पहाड़ों पे जा रही हूँ। हाँ तो मैं क्या करूँ पहाड़ों पे जा रही है, तो नहीं जाना ना, बोल दिया एक बार। अल्लाह मम्मी मैं करती हूँ। मम्मी आपको पता है पहाड़ों पे ना देवी माता रहती है, सबको मौका नहीं मिलता पहाड़ों पे जाने का। ऐसा होता है क्या? तो पक्का 2 दिन में आ जाएगी ना? हाँ मम्मी, बस 2 ही दिन के लिए, क्योंकि 2 ही दिन का बुक है। हैं? मम्मी से बिना पूछे बुक वुक भी कर लिया? नहीं मम्मी, मेरा नहीं, उसका उसका 2 दिन का बुक है। ठीक है, पर 2 दिन में आ जाना वापस। ये ले कपड़े सुखा के आ। हेलो, तेरा प्लान काम कर गया, मम्मी मान गई। आई मैन, आई मैन। ओके बाय। मम्मी क्या हो गया, मैंने भी तो फास्ट रखा है नवरात्रि का। हाँ हाँ, पूरे दिन पूछ रही होगी बैठ के और बोल रही नवरात्रि का फास्ट रखा है। नहीं मम्मी, खाना तो बहुत दूर की बात है, मैंने तो सुबह से एक घूंट पानी तक नहीं पिया है। क्यों, करवा चौथ का व्रत है तेरा? नहीं मम्मी, नवरात्रि का। मुझे भी तो मिलेगी ना कुट्टू के आटे की रोटी। हाँ चल ठीक है, वहां जाके बैठ, बना दूंगी तो मिल जाएगा भूख लगाने के बाद। ठीक है मम्मी। अच्छा है ना, ये वाला भी टेस्टी है। ये भी अच्छा है। हाँ मम्मी, पहुंच के मम्मी को फोन तक नहीं किया ना? हाँ पहुंच गया। और हाँ ध्यान से कुछ वो मीट पीट मत खा लेना। अरे नहीं खा रही नॉनवेज यार, हद है, रखो आप। हाँ नवरात्रि चल रहे, नवरात्रि। कुछ नहीं यार, मम्मी परेशान कर रही है अभी, ये भी कितने।
मैगी खा के वैसे तो मजा आ गया, पर चलो चिकन खाते हैं। चिकन नहीं, पागल है क्या? क्यों? मम्मी को पता चलेगा ना मेरी जान ले लेंगी। नहीं नहीं चिकन, नवरात्रि चल रही है यार। अरे यार नवरात्रि तेरे घर पे है, मनाली में थोड़ी है, पहाड़ों पे कोई नवरात्रि नहीं। क्या मंगाए? चिकन पास्ता और चिकन नूडल्स। तू सोच ले, पक्का चिकन खाएंगे, कुछ होगा तो नहीं हमें? क्या देख, तू कहाँ की है? दिल्ली की। और हम कहाँ पर है? मनाली में। तूने मनाली में एक भी स्टॉल देखे नवरात्रि के कहीं पे भी? नहीं ना, यहाँ के लोग नहीं मनाते यार, कुछ भी नहीं होता। तो तू अगर दिल्ली में होती वहाँ मनाती, और नहीं मनाती तो समझ आता। तो यहाँ पर है ना, तो यहाँ के मजे ले, ठीक है भैया? अरे यार ये तू इतना कम सा आया है, इसमें तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। रुक, मैं बोल रही थी कि तेरी मम्मी ने पास्ता रखा हुआ ना नवरात्रि का। हाँ, और तेरे घर पे मना भी रहे हैं। हाँ यार, तो फिर कितना गलत है ना। पर तू तो है तो अपनी मम्मी की बेटी ना, और तेरी मम्मी ने फास्ट रखा है और नवरात्रि का, वो भी तू यहाँ बैठ के चिकन खा रही है। अब क्या करें, अब खाना भी वेस्ट करेंगे तो पाप लगेगा। तो कोई नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं सारा खा लूंगी और तेरे हिस्से का पाप भी उठा लूंगी। सच में थोड़ा सा पाप तो मैं लगा ही सकती हूँ अपनी दोस्त के लिए। टेस्टी है पर पाप भी लग रहा है। खाना ले गया मिलने। पैर मत मार मेरे को, मेरा पास्ट है आज नवरात्रि का। तेरा व्रत है ना, मेरा थोड़े व्रत है। ले गया कुत्ता कहीं का। मम्मी देखो मेरा फास्ट है, और ये मुझे खाना मंगा रहा है और मुझे लात भी मार रहा है। पाप लगेगा पाप। लड़की ना देवी का रूप होती है। हाँ चंडालनी देवी ना, चुड़ैल कहीं की। ये ले सब्जी काटे। जुगाड़ सोच सपना, फास्ट करके भी काम करना पड़े तो क्या ही मतलब है। क्या करूं? ओए मेरा ना फास्ट है, तो तू मम्मी की हेल्प करा देना सब्जी काटने में। ये काम तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। चुपचाप कर दे, नहीं तो और भी तरीके हैं मेरे पास। एक नंबर की चुड़ैल औरत है तू। तू ही काट दे सब्जी, चला जा। बोला था ना निकल, देख लूंगी तुझे बाद में। मम्मी फास्ट की वजह से ना मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, दबा दो प्लीज। मम्मी इसको गला दबा दो। चुप, तमीज। व्रत है ना उसका, जाके सब गला सर दबा जा। मैं नहीं दबा रही। हैप्पी नवरात्रि। तो स्पेशल ओकेजन पे मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही यूनिक हेयर स्टाइल, जो कि आप अपने गरबा नाइट पे करके जा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। क्यों बन गई मैं इन्फ्लुएंसर? बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा शूट करने का, पर करना तो पड़ेगा। रोजी रोटी का सवाल है। तो आप क्या देख रहे हो, चलो बताती हूँ। तो ये था मेरा नया हेयर स्टाइल, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड ऑल्सो मैं अभी जा रही हूँ अपने डांडिया नाइट में। क्या बोल रही है, डांडिया नाइट? ओके बाय। मम्मी यार वीडियो बना रही थी, वीडियो बनाते वक्त तो जुगाड़ करो, और नहीं जा रही डांडिया नाइट पे, वीडियो के लिए कर रही थी। ये सब सरिया देना, मैं जा रही हूँ सोने। मम्मा। हाँ बेटा। मुझे एक बात बताओ ना, ये नवरात्रि की पूजा में क्या क्या चाहिए होता है? मुझे तो कुछ भी नहीं आता, इन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे भी डाल दी है। बेटा पूजा का सारा सामान रख लेना, कंजक बुला लेना, और हाँ कंजकों के लिए वो चने का सब्जी, हलवा और पूरी बना लेना, ठीक है? अब पक्का ना यही चाहिए ना? हाँ वो मैं बता दूंगी तुझे बाद में, ठीक है? हिचकी क्यों नहीं बन रही आज?
क्या हो गया अब? मम्मा सुनो ना, ये धूप क्या होता है? बेटा धूप नहीं, धूप होता है वो, और घास को कहते हैं। ऑनलाइन मिल जाएगी क्या? ऑनलाइन क्यों लेना है, बगल में पार्क होगा ना, वहाँ से ले आ। हाँ ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगी, बाय। सुनाने लग जाती है। हाँ? मम्मा ये बताओ ना, मैं लंगूर कहाँ से लेके आऊँ? पंडित जी ने अभी फोन किया और बोला कि कंजक में लंगूर भी चाहिए। नालायक बेटी, लंगूरिया होता है वो, लड़के को कहते हैं जो कंजक के साथ खाता है खाना। है? लड़का ही चाहिए क्या? फिर तो मैं इन्हीं को बिठा दूंगी। इन्हें किन्हें? इन्हें नहीं, बच्चे को बोलते मेरी माँ। ठीक है बाय, मैं कर लूंगी। मम्मी ये कौन सा चना बनाना है ये बताओ, सफेद वाला या काले वाला? कुछ नहीं समझ आ रहा है। बेटा तो एक काम कर, कुछ मत बना, शादी से पहले सीख ली होती ना तो आज ये दिन ना देखने पड़ते हैं। तुम भी कुछ मत कर भाई, अपनी सास से पूछ जाके। क्या फायदा सुबह 4 बजे से काम करने का, जब मेरी औलाद तो घोड़े बेच के सो रही है 10 बजे तक। नमस्ते, नमस्ते। आइए आइए बहन जी, बैठिए। बड़ी जल्दी आप कंजक का बुलावा देने आ गई, लगता है बाहर से बना बनाए खाना मंगा लिया आज, है ना? अरे नहीं नहीं, सुबह 4 बजे से उठ के बना रही हूँ खाना, सब तैयारी हो गई है, बस पूरी उतारनी रहती है। आप अपनी बेटी को भेज दो कंजक के लिए। पर बहन जी क्या करूँ, मेरी औलाद को देख लो, 10 बजे अब तक सोई पड़ी है। तो आप चले जाओ, पहले मैं जिमा लेती हूँ, फिर आपके यहाँ भेज दूंगी। अरे मेरी सारी तैयारी है ना, 5 मिनट में हो जाएंगे। अरे ये क्या कपड़े पहने हुए तूने नए? जाओ बदल के, अभी नए कपड़े नहीं पहनने आज के दिन। अरे रहने दो ना, आज ही का तो दिन होता है इनके तैयार होने का लड़कियों के। बहन जी कपड़े गंदे कर देती है। अरे नहीं करेगी गंदे। आंटी चलो आप क्या कंजक खाने चलते हैं, क्या दे रहे हो आप कंजक में? चलो कपड़े अगर गंदे हो ना तू ही धोएगी। लो मम्मी तो खाम खा डर रही थी। दादी चलो ना, मेरे दोस्त के यहाँ पंडाल लगे, वहाँ चलते हैं माता रानी के पंडाल पे, चलो ना। अरे नाना बेटा मुझे कहीं ना जाना, तू ही जा, हमारा एक पैर तो खाट में एक पैर शमशान घाट में, क्या करेंगे जाके, अब तो मैया रानी से ऊपर ही मिलेंगे जाके। चलो ठीक है, मैं पंडाल से ना आपके लिए लड्डू लेती आऊंगी। अरे बेटा मीठा मीठा ना खाया जाता हम पे ना, तू ही खा ले। अरे दादी फिर आप नवरात्रि में करोगे क्या? आपको तो बोरिंग नवरात्रि चलेगा। एक काम करो आप ना व्रत रख लो नवरात्रि का। अरे नाना बेटा व्रत फट ना रखूं मैं, अब तो बस ऊपर जाके भगवान से मिलूंगी सीधा, बस नवरात्रि में उठा ले, सीधे जाऊंगी स्वर्ग में, माता रानी के द्वार खुले रहे मैं। ठीक है आप स्वर्ग में जाओ, बाय, मैं जा रही हूँ पंडाल देखने। हैप्पी नवरात्रि। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, हमें कमेंट सेशन में जरूर बता देना। और हमने इतनी खून पसीने की मेहनत की, मेरे पूरे चेहरे पे पसीना है दोस्तों, तो हमने बहुत मेहनत की है, तो भर भर के लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सबके साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना यार, माता रानी की वीडियो है। तो बस फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अगर